अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक है। तो आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। तो आज एक मैं नया रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगा। आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाया होगा, तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी मैं जाऊँगी, तो आज मैं बना रही हूँ मक्का का, मक्का है ना, कच्चा मक्का है, कच्चा मक्का से मैं बनाऊँगी आज स्नैक शाम के टाइम के लिए। शाम के टाइम में हम लोग कुछ मतलब स्पाइसी खाना पसंद करते हैं ना, तो स्पाइसी खाने का मन करता है, तो हम लोग ये खा सकते हैं। बना के झटपट भी बन जाता है, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में और आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊँगी और आप लोगों को। मेरे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी है और न्यू रेसिपी है, और आप लोग ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में, चलिए मिलते हैं किचन में, चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं दो मक्का ले लिया हूँ, अभी इसके देखिए दाना है ना, ये सब मैं निकाल लूँगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और शाम के टाइम में बारिश, जब बारिश होता है ना, तो भी ऐसे मतलब तीखा पकौड़ा टाइप के बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरा दोनों मकई है ना, ये मैंने दाना निकाल लिया हूँ और अभी मैं धो के मिक्सी जार में ले लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए चार मिर्ची लिया हूँ और एक अदरक का टुकड़ा लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अभी पीसूँगी अच्छे से। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया हूँ, आप लोग ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालना है बस, ये कच्चा है ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अभी मैं यहाँ पे क्या क्या डाल रही हूँ देख लीजिएगा आप लोग। तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हाफ टी स्पून नमक और 3 टीस्पून चावल का आटा है ना, वो चावल का आटा देने से मतलब क्रिस्मी होता है। और अभी देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर दिया हूँ कलर के लिए, येलो येलो पूरा कलर होगा ना तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा पतला हुआ है, तो इसका थिकनेस थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा थिक करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने और 3 टीस्पून चावल का आटा डाल दिया हूँ। तो जब मेरा थिकनेस हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे रखना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया है, ये वाला रेडी हो गया है, इसका बैटर ऐसे रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं करना है बस। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जिप लॉक बैग लिया हूँ, ये जो केक डेकोरेशन करते हैं ना, वो एक मोल ले लिया हूँ और उसी जो केक डेकोरेशन करने वाला, तो ये बैग ले है, इसी को मैं लिया हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप पन्नी है ना, पन्नी को एक साइड में करके उसको काट के बना सकते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगी, पन्नी में से भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये सब मैं, ये देखिए इसको ऐसे करके साइड में करके, एक साइड करके, यहाँ पे देखिए ये इसमें ऐसे करके आप जितना दबाएंगे उतना आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पतला वाला मत लीजिएगा, नहीं तो आपका जो बैटर है ना वो नहीं निकलेगा, क्योंकि बैटर थोड़ा ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जो मोटा है ना, डिज़ाइन जो मोटा होता है वो वाला लीजिएगा। तो अच्छे से देखिए आपको कितना सुंदर शेप के साथ राउंड जो कुरकुरी होते हैं ना, कुरकुरी ऐसे करके बना सकते हैं आप। जो मिर्ची पाउडर देंगे तो और रेड कलर भी होगा, तो बच्चों के ऐसे करके आप लोग बना के शाम के टाइम में कुरकुरी के बदले में ये जो मक्का है ना, मकई है, मकई का कुरकुरी बना के दे सकते हैं तेरे में के, और ऐसे करके देंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए जो मेरा बैटर है ना, ये सब मैं यहाँ पे देखिए बना लूँगी ऐसे करके, और डिज़ाइन भी मैं बताऊँगी आप कैसे कैसे करके बना सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊँगी। मैं चार डिज़ाइन का मतलब चार तरीके से बनाया हूँ, डिज़ाइन अलग अलग है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए ये देखिए पन्नी है ना, ये वाला पन्नी से मैंने बनाया, आप ऐसे करके पन्नी में एक साइड में ले लीजिएगा और उसका जो किनारे है ना वो काट दीजिएगा,
चाकू से या कैंची से। उसके बाद यहाँ देखिए ऐसे करके आप बना सकते हैं घर में ही। 10 रुपया से मतलब 2 मकई से कितना सारा स्नैक बना सकते हैं। और तो आप लोग जो वीडियो मेरा फुल वॉच करेंगे ना, पूरा देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा एक प्लेट पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पन्नी वाला ये बनाया था मैंने ना, ये देखिए पन्नी से ऐसा होता है, थोड़ा शेप थोड़ा मतलब फैल जाता है, कुरकुरी जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ से बनाऊंगी पकौड़ा टाइप का, तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। जो लोग न्यू हैं, नया है, सीख रहे हैं बनाने के लिए, उन लोगों के लिए पन्नी से बनाएंगे तो अच्छा होगा। और चम्मच से भी मैं बना के दिखाऊंगी, तो चम्मच से भी बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा बेटर है, इसको मैं चम्मच से बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए 2 डिज़ाइन का हो गया है मेरा, और एक यहाँ पे देखिए पक रहा है कढ़ाई में। तो ये सब हो गया है, मैं उठा लेती हूँ और बाकी जो बचा है वो भी मैं दिखाऊंगी कैसे करके बना सकते हैं अलग अलग शेप देके। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है, ये सब हो गया है। तो हो गया ना, कितना सारा, कितना इजी है, कितना आसान है, झटपट भी बन जाता है, टाइम भी नहीं ज़्यादा नहीं लगता है, और ज़्यादा मतलब सामान भी नहीं लगता है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है ना वो भी उतना नहीं लगता है, कम इंग्रेडिएंट्स में कितना इजी और कितना मज़ेदार शाम की नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चम्मच से भी बना सकते हैं आप लोग ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, कितना सुंदर, कितना मतलब आवाज़ भी मैं सुना दूंगी आप लोगों को। तो देखिए मैंने आवाज़ भी आपको सुना दिया हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आया है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।